वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग का मैच खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट डायमंड 3। तो यहाँ पे हम अपनी फेवरेट कंडीशन सेलेक्ट करके खेलेंगे ताकि एजेस का सपोर्ट मिले। तूने मुझे क्यों नहीं रखी, आई ही नहीं क्यों, मापे गया हूँ। हमने टॉस जीत कर बैटिंग का किया है फैसला। अपोनेंट की टीम देखे तो एक तरफ रैंडे रसल तमाम वेरिएशंस, दरमियान में वीरेंद्र सहवाग और दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी जिनके पास 85 की टाइमिंग और तमाम वेरिएशंस मौजूद है टीम चैलेंज खेलने के लिए। तो ये रही हमारी टीम, काफ़ी बैलेंस टीम चुनी है मैंने ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए। कैरन पोलार्ड और क्रिस गेल आए हैं, सामना करेंगे शाहिद अफरीदी का। पहली बॉल है और यहाँ पे खूबसूरत गैसिंग कैरन पोलार्ड की तरफ से, पहली बॉल पहला छक्का फ्लिपर थी, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के 6 रन लगाए हैं। अगली बॉल है स्लो स्पीड में बॉल है, एक स्टेप फॉरवर्ड हुई और एक बार फिर अच्छी गैसिंग कैरन पोलार्ड की तरफ से, लेग स्पिन थी, लेग स्पिन ही बना के खेले, 6 रन और मिल जाएंगे। दो बॉलों में 2 छक्के लगा चुके हैं। अगली बॉल है हाफ स्पीड में की गई बॉल है और एक बार फिर 6 रन है, खूबसूरत गैसिंग, बहुत ही अच्छा आगाज क्रिस गेल की तरफ से। तो ये जो विकेट है इसको संभाल के खेलना होगा और यहाँ पे मिस टाइम कर बैठे हैं, वही हुआ जिसका डर था। इस मौके पे क्रिस गेल की विकेट बहुत ही बड़ी विकेट साबित होगी अपोनेंट की टीम के लिए। एक ओवर हो चुका है, दूसरा ओवर करने के लिए हारिस रऊफ आए हैं, सामना करेंगे क्रिस। स्लो स्पीड में बॉल थी, आगे गिरी हुई बॉल थी, वेट करके खेले हैं, फ्रंट फुट पे खेले हैं, 6 रन के लिए खेले हैं। अगली बार है लाइन ओलाइन चेंज की है, साइड भी चेंज की है, सामना कर रहे हैं मोहम्मद नबी, स्ट्रेट बॉल है, फुल स्पीड में वेट करके खेले, फ्रंट फुट पे खेले और 6 रन के लिए, बहुत ही अच्छी बैटिंग। यहाँ पे 2 ओवर हुए मुकम्मल, 36 रन आ चुके हैं। एंड्रे रसल आए हैं बॉलिंग करने के लिए, पहली बॉल है स्लो स्पीड में फुल स्विंग बॉल है, मिडल स्टंप पे रख के की गई थी बॉल, लेकिन अच्छे तरीके से जज किया कैरन पोलार्ड ने, टाइमिंग तो थी ही लेकिन शॉट परफेक्शन भी बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट जो पूरा ओवर है अपोनेंट की तरफ से नेगेटिव बॉल से भरपूर था, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। आपके पास अगर लेजेंड्स और हीरो मौजूद हैं, 93 और 96 के टाइमिंग वाले बल्लेबाज हैं, तो आपको डर किस बात का है। अगला ओवर करने के लिए विलियम्स आए हैं, स्लो स्पीड में बाहर है और यहाँ पे बैक फुट पे उठा दिया, ये शॉट लेट खेली जाती है, नेचर जो है वो शॉट की लेट खेलना है। 5 बॉलें करा चुके हैं विलियम्स, 12 रन दे चुके हैं अभी तक, अच्छा ओवर। अगली बॉल है और यहाँ पे ग्लिच शॉट खेलने में कामयाब हुए हैं मोहम्मद नबी, बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप कैरन पोलार्ड और मोहम्मद नबी के दरमियान। आखिरी ओवर करने के लिए रदरफोर्ड को बुलाया गया है, कम से कम 20 रन इस ओवर में बनने चाहिए तब ही टोटल कंपेटिटिव होगा। पहली बॉल पहला छक्का, बहुत ही अच्छा आगाज यहाँ पे। अगली बॉल है कैरन पोलार्ड, स्लो स्पीड में की गई बॉल है, यॉर्कर लेंथ बॉल है, वाइड लाइन पे गिरी हुई बॉल थी, खूबसूरत शॉट सिलेक्शन कैरन पोलार्ड की तरफ से, परफेक्ट टाइमिंग भी है, 6 रन और मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा आगाज। 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा चुके हैं, 13 रन आ चुके हैं। अगली बॉल है हाफ स्पीड में की गई बॉल थी और एक बार फिर ब्रूटल अंदाज में उठा दिया है, एक और छक्का मिल जाएगा, 3 बॉलें 3 छक्के। 4 बॉलें करा चुके हैं, 21 रन दे चुके हैं। अगली बॉल है स्लो स्पीड में बॉल है और यहाँ पे पहले खेल गए हैं कैरन पोलार्ड ने, गलती कर दी, 2 छक्के और मिल सकते थे लेकिन यहाँ पे आउट हुए, बाय द वे वेल प्लेड कैरन पोलार्ड। आखिरी बॉल है, फेस करेंगे मोहम्मद नबी, शॉर्ट बॉल है, तो यहाँ पे रेडिकल अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन एज लगा है, आउट होगा, विकेट मिलेगी, तो यहाँ पे 84 रन बनाए हैं, 85 का दिया है टारगेट। ओपनिंग करने के लिए एक तरफ एंड्रे रसल हैं और दूसरी तरफ हैं वीरेंद्र सहवाग, मेरे बॉलर किस तरह बचेंगे और किस किस से बचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहली बॉल है ओवर पिच बॉल है, बिल्कुल स्लो स्पीड में बॉल है, वीरेंद्र सहवाग सामना करेंगे कोरी एंडरसन का, पहली बॉल पहला छक्का, अच्छी शॉट सिलेक्शन अपोनेंट की तरफ से और अच्छी टाइमिंग वीरेंद्र सहवाग की तरफ से। अगली बॉल है कटर बॉल है,
और यहाँ पे हम 90% स्पीड रख के बाल करने लगे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे 90% स्पीड ने अपना काम दिखाया है, जैसा कि मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि 90% स्पीड बहुत ज़्यादा वर्क करती है, ज़रूर इस्तेमाल किया करें। शायद अफरीदी आए हैं और बल्ला घुमाते हुए आए हैं, देखते हैं कि गेंद भी घूम पाएगी कि नहीं। हाँ, स्पीड में की गई बॉल थी, लेकिन शायद अफरीदी को क्या लगे कि कितनी स्पीड है, उन्होंने छक्के मारने हैं और वो मार रहे हैं। अगली बॉल है, हाँ स्पीड में की गई बॉल है, सामना कर रहे हैं एंड्रे रसल और उठा दिया है, अपर कट है, खूबसूरत अपर कट है ये। एंड्रे रसल की अपर कट हो, वो अंदर रह जाए, ये नामुमकिन सी बात है। अगला ओवर करने के लिए फास्ट मीडियम बॉलर को बुलाया गया है, सामना कर रहे हैं शाहिद अफरीदी, बिल्कुल स्लो स्पीड में फुल स्विंग की गई बॉल है, ब्रूटल अंदाज में उठाना चाहते थे, डस्क ने दिखाया अपना काम, बैट्समैन का हुआ काम तमाम। तो दूसरी बड़ी विकेट मिलती हुई यहाँ पे, अब प्रेशर जो है वो अपोनेंट पे होगा, अब सिर्फ एंड्रे रसल को आउट करना है। तो यहाँ पे आपको साथ साथ टिप्स देता चलूँ, ये परफेक्ट लाइन है जब आप फास्ट मीडियम बॉलर से बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ये देखें, फुल स्विंग है, 0% स्पीड है, पिचिंग जो है वो जस्ट इनसाइड ऑफ वाइड लाइन आपने करनी है। ये देखिए, परफेक्ट बॉल है, ना वाइड है और ना बल्ले से कनेक्ट हो रही है, अगर थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती तो वाइड होती है, थोड़ी सी अंदर गिराई होती बॉल तो बल्ले से कनेक्ट हो जाती। अगली बॉल है, फुल स्विंग की गई बॉल है, उसी लाइन और लेंथ में बॉल है, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पे उठा दिया है, अपर कट खेली है, परफेक्ट अपर कट थी, लेकिन एज लगा है, खुशकिस्मती देखें कि वहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं था। अगली बॉल है, लाइन और लेंथ चेंज की है, स्लो स्पीड में की गई बॉल थी, ब्रूटल अंदाज में उठा दिया है, परफेक्ट टाइमिंग है, एंड्रे रसल की तरफ से छक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम कायम करते हुए अपनी टीम के लिए एंड्रे रसल, इस टाइम वाइड सहारा है यहाँ पे एंड्रे रसल। अगली बॉल है, एक बार फिर उठा दिया है, एक और छक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो रिलीज होता हुआ अपोनेंट की टीम से, 5 बॉलों में 17 रन दे चुके हैं। अगली बॉल है, शॉर्ट बॉल है, फुल स्विंग बॉल है, और एक बार फिर कनेक्ट हुई है, अच्छा कनेक्शन है एंड्रे रसल की तरफ से, 3 बॉलों में 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस एंड्रे रसल की तरफ से। अगला ओवर करने के लिए नेथन लाइन आए हैं, 4 वेरिएशंस मौजूद हैं नेथन लाइन के पास। ये ओवर दोनों टीमों के लिए मैच टर्निंग साबित हो सकता है, पहली बॉल मिस हुई, फाइनली यहाँ पे डार्ट बॉल आई है। अगली बार है, तो यहाँ पे हम ड्रिफ्टर करने वाले हैं, फुल स्पीड में ड्रिफ्टर करने वाले हैं। फुल स्पीड का फ़ायदा क्या होगा ये आपको इस बॉल देखने के बाद पता चल जाएगा। ये देखिए, बॉल मिस हुई है, तो यहाँ पे फुल स्पीड होने की वजह से यहाँ पे बॉल नीचे रही बल्ले से और यहाँ पे स्टंप हुआ, अगर बॉल स्लो स्पीड में होती तो ये वाली एडवांस शॉट कनेक्ट हो जाती। तो रेडिकल लेविस को जाना होगा। अगली बॉल है, टॉप स्पिन बॉल कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं ब्रैंडन टेलर, 81 की टाइमिंग रखते हैं, और यहाँ पे बॉल बल्ले से मिस हुई है, रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, रॉन्ग गैसिंग अपोनेंट की तरफ से। 5 बॉलों पे अभी तक सिर्फ 2 रन दिए हैं, मैच टर्निंग ओवर यहाँ पे अभी तक नेथन लाइन की तरफ से। आखिरी बॉल है, एडवांस उठाना चाहते थे लेकिन बॉल उठी नहीं, टाइमिंग हुई नहीं और छक्का मिला नहीं। तो आखिरी बॉल पे 2 रन आए, 4 रन का बेहतरीन ओवर यहाँ पे नेथन लाइन की तरफ से। अगला ओवर करने के लिए जैसन होल्डर आए हैं, कटर की वेरिएशन मौजूद है इनके पास, अगेन यहाँ पे 90% स्पीड है, एक बार फिर यहाँ पे 90% स्पीड ने काम दिखाया है, एंड्रे रसल का भी एज लगा है, यहाँ पे सलूट बनता है, एंड्रे रसल को जाना होगा यहाँ पे मुश्किल हालात में अपनी टीम को छोड़ के। अगली बॉल है, एक बार फिर यहाँ पे बॉल मिस हुई है, खूबसूरत लाइन और लेंथ। अगली बॉल है, इस बार 70% स्पीड, फुल स्विंग, और एक बार फिर परफेक्ट लाइन और लेंथ, बॉल एक बार फिर मिस करेगी बल्ले को। तो आखिरी ओवर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको लाइन और लेंथ समझ आए, पता चले कि ड्राइव विकेट पे किस तरह बॉलिंग करते हैं। एक बार फिर एज लगा है, तो एजेस का फुल स्पोर्ट देखने को मिला इस मैच में। 4 ओवर हो चुके हैं, सिर्फ 48 रन आए हैं और 5 विकेट सामने ले लिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगली बॉल है, एक बार फिर स्लो स्पीड में बॉल थी, पहले खेल गए हैं, एक और विकेट यहाँ पे। म्यूजिक रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज आते हैं।
तो भाई नेगेटिव बॉलिंग करने का यही अंजाम होता है, यू कैन नेवर विन विद अ बॉल नेगेटिव बॉलिंग।